कुत्तों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है क्यूट पेट्स यानी प्यारा पालतू जानवर, जो कि अपने मालिक के काफी वफादार होते हैं। आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा, बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कुत्तों की कुछ प्रजातियां इतनी खतरनाक होती है कि जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये इतनी आक्रामक हो जाती है कि ये अपने मालिक पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटती। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव इस पे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट डेंजरस डॉग इन द वर्ल्ड, और नंबर 1 पर जो डॉग है उसे गलती से भी मिस मत करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में एक घंटे का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम अपनी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 10 पे है ग्रेट डेन। इस नस्ल के कुत्तों को ट्रेनिंग के बाद ही पाला जाता है। हालांकि इस प्रजाति के कुत्तों को सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए तो ये सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन पालतू जानवर साबित हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इसी कारण से इन्हें किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी आक्रामक होते हैं। अगर इन्हें बिना ट्रेनिंग के पाला गया तो मुमकिन है कि ये आपकी जान भी ले लेंगे। इनके वजन की बात करें तो ये 54 से 90 किलो के बीच होते हैं। इस लिस्ट के नंबर 9 पे आता है बॉक्सर। इस प्रजाति के कुत्ते को शिकारी कुत्ते भी कहा जाता है। इनका जबड़ा इतना मजबूत है कि ये अपने जबड़े से किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। ये अपने जबड़े से शिकार को 10 मिनट में नोच लेते हैं। इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाला जाता है, लेकिन कई बार ये अपने मालिक पर भी अटैक कर देते हैं। इनका वजन 30 से 32 किलो के बीच होता है। लिस्ट के नंबर 8 पे है वुल्फ डॉग। इस ब्रीड के कुत्तों को वुल्फ और डॉग के क्रॉस से बनाया गया है। इन पर ज्यादातर देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसा इसलिए कि ये इतने खतरनाक है कि ये किसी पर भी अटैक कर देते हैं। इससे मौत के आंकड़ों की माने तो साल 1979 से साल 1988 के बीच इस प्रजाति के कुत्ते के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। और इनके वजन की बात करें तो ये 35 से 56 किलो के बीच होते हैं। इस लिस्ट के नंबर 7 पे है मैलाम्यूट। इस प्रजाति के कुत्ते उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। ये मैलाम्यूट कुत्ते आकार में भेड़िये की तरह दिखते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एनर्जी और एग्रेशन से भरे होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी के अनुसार साल 1966 से साल 1980 के बीच इस कुत्ते के काटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बात इसके वजन की करे तो ये 34 से 49 किलो के बीच होते हैं। इस लिस्ट के नंबर 6 पे आता है हस्की। इन प्रजाति के कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बेहद ही इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें सेलेज डॉग के रूप में भी जाना जाता है, जो बिना पहियों की गाड़ी को बर्फीले मैदानों में खींचने में माहिर होते हैं। लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये बेहद आक्रामक हो जाते हैं, और उस समय ये किसी की भी जान ले सकते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते के कारण अमेरिका में साल 1979 से 1993 के बीच 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनका वजन 20 से 27 किलो के बीच होता है। इस लिस्ट के नंबर 5 पे है बुल मास्टिफ। ये कुत्ते आक्रामक स्वभाव के होते हैं और इनके पैर काफी लंबे होते हैं। साल 2014 में अमेरिका के न्यू जर्सी में इस कुत्ते के काटने से 13 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं साल 2017 में टेक्सास में भी इसके अटैक से एक बच्चे की मौत हो गई थी। ये थोड़े थोड़े पिटबुल जैसे दिखते हैं। बात इनके वजन की करे तो ये 50 से 59 किलो के बीच होते हैं। इस लिस्ट के नंबर 4 पे है डोबरमैन पिंस्चर। इनका इस्तेमाल पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही घरों में भी इन्हें पाला जाता है। ये खतरनाक कुत्ते अजनबी लोगों को देखते ही आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन मालिक पर नजर पड़ते ही शांत हो जाते हैं। इसके काटने से साल 2011 में एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद इसके काटने से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आई है। इनका वजन 34 से 45 किलो के बीच होता है, और कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस लिस्ट के नंबर 3 पे है जर्मन शेफर्ड। एंड अगेन, इस कुत्ते का भी इस्तेमाल ज्यादातर पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये इतने आक्रामक हो जाते हैं कि ये अपने सामने वाले पर 108 किलो के दबाव से अटैक करते हैं, जिसके बाद बच पाना मुश्किल हो जाता है। इनके वजन की बात करें तो ये 30 से 40 किलो के बीच होते हैं, और अगेन कई देशों में इसे पालने पर भी प्रतिबंध है, लेकिन उसमें इंडिया शामिल नहीं है।
लिस्ट के नंबर 2 पे है रॉटवाइलर। कुत्ते की ये नस्ल अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है। ये बेहद शक्तिशाली है और ये किसी पर भी झट से हमला कर देती है। साल 2014 में अमेरिका में रॉटवाइलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं साल 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में कुत्ते के काटने से कई लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से आधे से अधिक लोगों की मौत के जिम्मेदार रॉटवाइलर थे। ये 1460 न्यूटन यानी 148 किलो के दबाव से किसी पर भी हमला कर सकता है। बात इसके वजन की करें तो ये 35 से 48 किलो के बीच होते हैं। और अगेन इसे पालने पर भी कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है, हालांकि भारत में इसे कई घरों में पाला जाता है। लिस्ट में नंबर 1 पर जो डॉग है उसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, इस लिस्ट के नंबर 1 पे है पिटबुल। पिटबुल कुत्ते कुत्तों की प्रजातियों में सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। इसका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया भर के करीब 41 देशों ने इस कुत्ते को पालने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि अमेरिका सहित पिटबुल को अन्य कई देशों में आज भी पाला जाता है, लेकिन इनकी आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। साल 2015 में सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 20 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक होगी। दैट्स गजब। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।